तो दोस्तों, अगर आप भी ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप कैसे गुरु ट्रेड 7 से पैसे कमा सकते हैं। देखो, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा आप कैसे गुरु ट्रेड 7 पे अपना अकाउंट बना सकते हैं, कैसे यहां पे ट्रेडिंग करके पैसे कमाएंगे और कैसे यहां से आप अपने पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं अपने पेटीएम अकाउंट या फिर फोन पे के थ्रू। तो सिंपल, यहाँ पे इसको आपको सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इसका लिंक आपको अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, चाहे तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो प्ले स्टोर से ऐसे इंस्टॉल करने के बाद जब इसको आप ओपन करेंगे ना, तो इसका इंटरफेस आपको सबसे पहले कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इसको आप नेक्स्ट करके जो है यहाँ पे ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा बहुत सीख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको स्किप का बटन भी मिल जाता है, तो इसको जो है स्किप कर देंगे। तो मैंने इसको स्किप कर दिया है। देन यहाँ पे आपको जो है कट वाले बटन पे अभी फिलहाल के लिए क्लिक कर देना है, नहीं तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पे पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अभी डिपॉजिट नहीं कर रहा हूँ, आगे आपको वीडियो में सब कुछ बताता रहूँगा। तो मैं इसको कट कर देता हूँ। कट करने के बाद सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि आप यहाँ पे अपना अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे मी वाले बटन पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे टैब टू साइन इन वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है साइन इन करने के लिए आपकी डिटेल्स दिखाई दे जाएंगी, अगर आपने पहले भी मतलब यहाँ पे रजिस्टर करके रखा है। अगर आपने पहले कभी इस पर रजिस्टर नहीं किया है तो सिंपल यहाँ पे रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे अपनी ईमेल डालनी है, उसके बाद यहाँ पे आप अपना कोई भी पासवर्ड डाल सकते हैं। तो मैंने पहले से अकाउंट यहाँ पे बना करके रखा है, तो मैं साइन इन वाले बटन पे क्लिक करता हूँ। ईमेल यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है और यहाँ पे मैं पासवर्ड एंटर करके यहाँ पे लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देने लगेगा। यहाँ पे हमारा अकाउंट जो है लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए बोल रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे इसको कट कर देता हूँ। आप चाहे तो नोटिफिकेशन को ऑन भी कर सकते थे। सिंपल, अब यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सीख करके चलेंगे कि कैसे कैसे हमें यहाँ पे पैसे कमाने हैं। तो पहले न्यूज वाले बटन की बात करते हैं। तो न्यूज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ट्रेडिंग से संबंधित जितनी भी न्यूज यहाँ पे रहती हैं वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको टैब मिल जाता है दूसरा, ये हेल्प का। अगर आपको इस एप्लीकेशन के अंदर डिपॉजिट में या फिर विड्रॉल में या फिर ट्रेडिंग के समय कोई प्रॉब्लम आ गई है, इस एप्लीकेशन के एम्प्लॉयज को ऑनलाइन कनेक्ट करके आप यहाँ से आसानी से सपोर्ट भी ले पाएंगे। देन यहाँ पे ट्रेड वाले बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तो रियल अकाउंट है, देन यहाँ पे आपको डेमो अकाउंट भी देखने को मिल जाता है। डेमो अकाउंट पर अगर मैं क्लिक करूं तो यहां पे आपको जो है 10,000 रुपये देखने को मिलते हैं डेमो के लिए। अभी मैं यहां पे 60 रुपये पहले ही यूज कर चुका हूं डेमो के, क्योंकि मैंने भी यहां पे थोड़ा सा मतलब कि अपना एक्सपीरियंस करके देखा था। तो अभी मैं आपको बताता हूं डेमो अकाउंट यहां पे क्या है। तो देखो, अगर आप यहाँ पे पैसा लगाने से पहले मतलब कि डेमो फ्री में ही लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 9,940 रुपये भी मेरे पास बचे हुए हैं। जैसे कि मुझे ग्राफ लग रहा है कि ये नीचे की ओर आएगा, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा वैल्यू को और यहाँ पे कंफर्म कर दूंगा। अभी आपने देखा कि एक नोटिफिकेशन आया था, अगर आप चाहते हैं कि वो नोटिफिकेशन ना आए डायरेक्टली एक ही क्लिक में, जहाँ पे भी हम अपनी मतलब कि ट्रेड को लगाना चाहते हैं वो एकदम से मतलब वहीं पे लग जाए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है बॉय इन वन क्लिक। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे टर्न ऑन कर देंगे। तो अब जहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे, जैसे कि मैंने कॉल पे क्लिक कर दिया, तो इस तरह से एक ही क्लिक में मतलब आपकी ट्रेड ली जाएगी। अभी आप देख सकते हैं मैंने पुट में जो है रेड वाला आप जो देख रहे हैं, पुट में मैंने जो है ये मतलब ये कि ट्रेड ऊपर ली थी, तो मुझे लग रहा था कि ये जो है मतलब ग्राफ यहाँ से नीचे रहेगा, और यहाँ पे मैंने कॉल पे एक जो ट्रेड है ना वो ऊपर की ओर ली है। तो इस तरह से जो है आप मतलब कि ले सकते हैं। अभी इन ग्राफ का मतलब क्या हुआ, अगर जो मैंने पुट लिया था ना, या अगर ग्राफ उससे नीचे ही रहता है तो मुझे यहाँ पे 82% का प्रॉफिट होने वाला है, और जो मैंने मतलब कि यहाँ पे कॉल वाला ये ट्रेड ली है ना, इससे ऊपर अगर ग्राफ रहता है तो मुझे यहाँ पे भी प्रॉफिट होने वाला है 82% का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने पुट वाला लिया था उसमें मुझे प्रॉफिट हो चुका है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 16.40 रुपये का प्रॉफिट मुझे यहाँ पे हो चुका है। टोटल मुझे 20 रुपये के यहाँ पे 36.40 रुपये मिले हैं। यहाँ से मैं कट कर देता हूँ। तो हमारा कॉल वाला जो ट्रेड था ना वो बिल्कुल सेंटर में रहा, ना तो ग्राफ ऊपर गया और ना ही नीचे आया, इसीलिए यहाँ पे हमें प्रॉफिट 0 रहा, लेकिन 20 रुपये हमारे एग्जिट यहाँ पे वापस आ चुके हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ। कट करने के बाद अब मुझे लग रहा है कि ये ऊपर फिर से जाएगा, तो मैं ऐसे में मतलब कॉल ले लूँगा, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये ग्राफ पक्का ऊपर जाएगा। तो यहाँ तक जब ये समाप्त होता है ना, तो अगर हमारा ये ग्राफ ऊपर ही रहता है तो मुझे यहाँ पे फिर से 82% का यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है। तो इस तरह से मतलब कि आप यहाँ पे डेमो अकाउंट पे आकर के पहले थोड़ा एक्सपीरियंस कर लेंगे कि कैसे कैसे आपको ट्रेडिंग यहाँ पे करनी है, उसके बाद ही आप रियल अकाउंट पे जाएंगे पैसे डिपॉजिट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही मतलब कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेकर के रखा है। अब मैं डायरेक्टली आपको रियल अकाउंट पे बताऊंगा कैसे आप रियल अकाउंट पे मतलब कि ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकते हैं। अभी फिलहाल
मैं पहले इस वाली ट्रेड को और देख लेता हूँ कि इस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो अगर मैंने डेमो अकाउंट में इस तरह से पैसा लगाया था तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट देखने को मिला है। अगर ये रियल अकाउंट में होता तो रियल में मुझे इतना प्रॉफिट यहाँ पे होने वाला था। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 ट्रेड को करके मतलब कि समथिंग यहाँ पे मतलब कमा लिए हैं 32-33 रुपये। तो ऐसे आप रियल अकाउंट में मतलब कि इसको करेंगे। अभी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि जब भी आपको कोई ट्रेड लेनी है तो आपको इन दोनों लाइन के बीच में ही लेनी है, चाहे वो पुट की लेनी है अगर आपको लग रहा है कि पुट में मतलब हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप पुट वाली लेंगे तो जहाँ पे आपने ट्रेड लिया है ना उसके नीचे ही आपका ग्राफ रहना चाहिए, तभी आपको मतलब प्रॉफिट आ पाएगा, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। पुट का मतलब यही होता है कि ग्राफ आपकी जो ट्रेड है उससे नीचे रहेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, नहीं तो आप लॉस में चले जाएंगे। अगर आप कॉल वाला लेते हैं तो कॉल वाले में सिस्टम ये है, अगर आपने कॉल वाला ट्रेड लिया है तो वहाँ पे जो है आपका जो ग्राफ है ना वो उससे ऊपर ही रहना चाहिए, तब आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो पाएगा। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ रियल वाले अकाउंट पे, यानी यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एसेट्स पे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग मतलब यहाँ पे प्रॉफिट आपको मिल रहे हैं। तो जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है ना वो इसी में है, तो मैंने यहाँ पे 82% मतलब 82% वाले को मतलब ऐसे सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 0.00 यहाँ पे हमारा डिपॉजिट है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे डिपॉजिट करना होगा थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे मैं जो है डिपॉजिट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद कम से कम 100 रुपये यहाँ पे ऐड करने होंगे, तो डिपॉजिट वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा 100 रुपये को सेलेक्ट करके। देन यहाँ पे आपको एक QR कोड भी मिल जाता है, चाहे तो आप दूसरे फ़ोन से इसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, नहीं तो पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे या फिर अदर्स एप्लीकेशन के थ्रू भी आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। मैं फ़ोनपे वाले बटन पे क्लिक करके फ़ोनपे से पेमेंट कर देता हूँ। ओके, तो फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा 100 रुपये का जो डिपॉजिट था ना वो यहाँ पे कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो चुका है। देन यहाँ पे मैं कर देता हूँ कट। कट करने के बाद अब मैं बैक जाऊँगा गो टू ट्रेड वाले बटन पे क्लिक करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100 रुपये हमारे डिपॉजिट यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुके हैं। देन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्वेस्ट वाले बटन पे क्लिक करके आप इसको जो है इंक्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आप यहाँ पे 20 रुपये ही लगा पाएंगे। तो मैं यहाँ पे 20 ही रहने देता हूँ और एक बार देखता हूँ कि ग्राफ मेरा ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। तो यहाँ पे मुझे जो है एक बार KYC को कम्प्लीट करना होगा अपने मोबाइल नंबर से। तो सिंपल यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको अपना नाम डालना होगा, तो जो आधार कार्ड में आपका नाम है वही नाम आपको यहाँ पे डाल देना है, क्योंकि यहाँ पे KYC आपकी कंप्लीट होगी ताकि आपके पैसे विड्रॉल करने में यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, तो कम्प्लीटली यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो है मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे हमारा जो मतलब कि KYC थी ना वो कम्प्लीट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे कॉल वाला मतलब कि यहाँ पे मैंने ले लिया है एक ट्रेड, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे हल्का सा लगा था कि मुझे ये ग्राफ ना ऊपर जाएगा। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं कि 1 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पे क्या होता है, ये ग्राफ ऊपर जाता है या फिर नहीं। तो अगर ये ऊपर जाता है तो मैंने कॉल वाली ट्रेड ली है, तो जाहिर सी बात है मुझे प्रॉफिट होगा, और अगर ये नीचे जाता है तो मुझे यहाँ पे लॉस होने वाला है पूरे 20 रुपीज़ का। तो मुझे जो है यही लग रहा है कि ये शायद ऊपर जा सकता है, लेकिन ये काफ़ी नीचे आ चुका है, लेकिन ग्राफ को ऊपर जाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो मुझे इतना जो है यहाँ पे वेट करना होगा। एक और ट्रेड मैंने यहाँ पे ले ली है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर वो ऊपर से ग्राफ नीचे रहा भी तो यहाँ से तो ऊपर जरूर जाएगा। तो अभी फिलहाल हम देखते हैं कि इनमें से कौन कौन सा प्रॉफिट मुझे होता है या फिर दोनों ही मैं लॉस में चला जाता हूँ। ओके, तो एक ट्रेड का तो यहाँ पे मुझे लॉस हो चुका है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। देन यहाँ पे मैं इसको कट कर देता हूँ। कट करने के बाद अभी एक ट्रेड और बची हुई है जो मैंने ली थी, मुझे लग रहा था कि ग्राफ जो है ऊपर जाएगा, लेकिन इस बार ग्राफ बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है। तो अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी लॉस में ही जाने वाला है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा वेट करता हूँ। तो 3 ट्रेड में यहाँ पे लॉस कर चुका हूँ, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा है। तो मैं यहाँ पे बहुत ही जल्दी मतलब बिना सोचे समझे ट्रेड ले रहा हूँ, इसीलिए शायद ये मतलब ग्राफ से आउट जा रहा है मेरे। तो यहाँ पे आप इस तरह से मतलब ट्रेडिंग कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे टाइम लगाते हैं, ग्राफ को समझते हैं, तो आप यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। लेकिन इस बार मैं यहाँ से प्रॉफिट नहीं निकाल पाया हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया कैसे जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं या फिर कब हमें लॉस होता है, कब हमें यहाँ पे फ़ायदा होता है।
तो मैंने आपको बता दिया है। फिलहाल मैंने यहाँ पे इस वीडियो में 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं ताकि आपको जो है यहाँ पे अच्छे समझ में आ जाए, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मेरा जो मतलब यहाँ पे 100 रुपये इन्वेस्ट हुए हैं वो मुझे यहाँ पे मतलब कि वापस मिल सके। यहाँ से मैं ट्रेडिंग से मतलब तो वापस नहीं कर सका हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 16.40 रुपये का यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो चुका है। तो यहाँ पे मेरे पास 36 रुपये हैं। तो जो मैंने मतलब कि यहाँ पे प्रॉफिट किया है ना, इसको अगर आपको विड्रॉल करना है तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ से पैसे को विड्रॉल कैसे कर सकते हैं। हिस्ट्री में आप जो है सब कुछ देख पाएंगे, कब आपने ट्रेडिंग के लिए मतलब कि ट्रेड लिए थे और कब आपने मतलब यहाँ पे प्रॉफिट कमाया है, तो ऐसे आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ मी वाले ऑप्शंस पे और यहाँ पे विड्रॉल वाले बटन पे क्लिक करता हूँ। विड्रॉल वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना पैन नंबर डालना होगा, क्योंकि यहाँ पे विड्रॉल करने के लिए आपको मतलब पैन कार्ड जरूर देना होता है। तो सिंपल मैं यहाँ पे पैन कार्ड डाल देता हूँ। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे फोटोग्राफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको जो है अपने पैन कार्ड का एक फोटो कैप्चर करना होगा, तभी आप यहाँ से पैसे जो है विड्रॉल कर पाएंगे। यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर देता हूँ, देन यहाँ पे कंप्लीट KYC वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम आप 300 रुपये विड्रॉल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे जो है आपको अकाउंट होल्डर का नाम डालना है, यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट नंबर डालना है और अपनी बैंक का IFSC कोड डाल के आप यहाँ पे सेंड रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपका पैसा जो है आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। तो ऐसे आप इजीली अपने पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। जब आपके यहाँ पे कम से कम 300 रुपये हो जाएंगे, आसानी से आप पैसे को विड्रॉल कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो भी आपको इस वीडियो में बताया है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझसे मालूम कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। आगे भी इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे बहुत ही जल्द अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।